खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र जहां हम आपको बता रहे हैं कैसे बाढ़ से लाखों लोगों की जान आफत में है, 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और यह हंसता मुस्कुराते चेहरों के बीच किस तरीके से राहत और बचाव का खेल खेला जा रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, सेल्फी लेने में मशगूल हैं। देखिए कैसे ये बाढ़ के बीच मुस्कुराते हुए सेल्फी ले रहे हैं। हम सीधे रुक करेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद। गणेश, महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल में और मंत्री जी को मौज सूझ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसे बाढ़ टूरिज्म का नाम भी अब विरोधक दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक तरह से आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक पहुंचे, लोगों को सहायता देने के लिए आप इसका जायजा लेने इसमें पहुंचे हैं। तो ऐसे में सेल्फी निकालने जा रहे हैं, कैमरे की फ्रेम को देखकर आप हाथ हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहीं ना कहीं जहां लोग दिक्कत में हैं, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, वहां पर आप यहां पर इस तरह जो है तस्वीरें, एक जिम्मेदार मंत्री का आना है, कैबिनेट दर्जे के मंत्री का आना, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास है, महत्वपूर्ण मंत्री है ये, उनकी तरफ से ये तस्वीरें बहुत ही शर्मनाक है और इस पर अब तक उनका खुलासा नहीं आया है। अगर आप वीडियो को रोमाना ठीक से देखेंगे तो उसमें एक पुलिस अधिकारी भी बैठे हुए हैं। पुलिस अधिकारी इस वीडियो में उस फ्रेम में आते हैं, लेकिन वो ना मुस्कुराते हैं, ना वो हाथ हिलाते हैं और ना वो कैमरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है संवेदनशीलता क्या है इस मामले की, कहां किस काम के लिए वो जा रहे हैं। अगर पुलिस अधिकारी जिम्मेदारी समझते हुए ये समझते हैं कि किस इस वीडियो में हमें नहीं आना है, रिएक्ट नहीं करना है, तो मंत्री महोदय को ये सूझ क्यों नहीं आई है, समझदारी क्यों नहीं आई है, बहुत बड़ा सवाल है। अब इस विषय में जब हमने जानकारी ली तो पहले तो सोमवार से ये हालात वहां पर खराब थे और मंत्री महोदय मुख्यमंत्री के साथ गुरुवार यानी थर्सडे को वहां पहुंचे, चार दिन बाद सिर्फ दिखावा करने के लिए ये पहुंचे हैं क्या, एक सवाल यह उपस्थित होता है, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें ये हो रही हैं जहां पर आपको लोगों से जाकर मिलना है, उसकी गंभीरता समझनी है, लेकिन वैसा आप नहीं करते हुए सेल्फी निकाल रहे हैं और उसको पोस्ट भी किया जा रहा है, वायरल भी किया जा रहा है। अब इस पर वो खुलासा करेंगे। बेहद शर्मनाक गणेश ठाकुर, बेहद शर्मनाक, शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें। मंत्री से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तरीके इसका व्यवहार करेगा। जब लोग मस्त हैं, मंत्री जी मस्त नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि ये मंत्री जी किस इलाके में मौजूद थे सांगली के, कितनी देर का इनका दौरा था और अपने इस दौरे में बस ऐसे ही मुस्कुराते, हाथ हिलाते, सेल्फी खिंचवाते ये वापस लौट गए? जी देखिए, तस्वीरों और वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब वो कोल्हापुर पहले पहुंचे और कोल्हापुर के बाद वो फिर बोट के जरिए सांगली कोल्हापुर इस बेल्ट का दौरा करने लगे, तो शुरुआत में कोल्हापुर से उनकी शुरुआत हुई थी और बाद में सांगली की तरफ बढ़े, इस तरह की जानकारी है। तो ये कुछ घंटे इस पूरे परिसर में जरूर रहे, मुख्यमंत्री के साथ हवाई दौरा किया और फिर बाद में मुख्यमंत्री जब कोल्हापुर से चले गए तो उसके बाद ये खुद यहाँ इस तरह बोट के जरिए हालात का जायजा ले रहे थे। अब ये उस समय का वीडियो है, उसके बाद क्या किस तरह का बचाव कार्य किया, किस तरह की लोगों तक मदद पहुंचाई, ये ना तो तस्वीरों के जरिए ना उनके माध्यम से, काम क्या किया इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन मौज कैसे की, मस्त कैसे नजर आए मंत्री जी, ये आपने तस्वीरों में देख लिया। और वो हाल तब है जब जनता पस्त, मंत्री मस्त, जनता परेशान है, मंत्री जी मौज ले रहे।